दवा लेकर घर लौटते वक्त पति पत्नी पर फायरिंग, उपचार के दौरान महिला की मौत। गोली लगने से घायल महिला का इलाज के दौरान सैफई में मौत। पति खतरे से बाहर, थाना कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुरा अगौथा मार्ग नहर की पटरी पर दवा लेकर बाइक से घर लौट रही थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ब्रजपुरा निवासी रोहित यादव, उनकी पत्नी ज्योति पर अज्ञात हमलावरों ने बीती शाम मंगलवार को फायरिंग कर दी। रोहित और ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें आनंद फानन में जिला चिकित्सा अस्पताल इमरजेंसी इलाज के लिए लाया गया, जहां से दोनों की हालत गंभीर देखते हुए दोनों घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल इमरजेंसी से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां देर रात घायल ज्योति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि घायल रोहित की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित यादव ने पड़ोस के एक गांव की लड़की ज्योति से किया था अंतर जाति विवाह। एसपी अजय कुमार ने बताया कि रोहित पक्ष की तरफ से 6 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना की जांच की जा रही है, निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। लड़का हमारे साथ शादी इसने राजीबाजी से की, 1 साल हो गई साहब। किस शादी की थी? ज्योति लड़की का नाम है। एक ही जाति के हैं लोग? ना, एक ब्राह्मण है, एक यादव। तो क्या हुआ आज, क्या घटना हुई? जे साहब दवा लेने गए थे अपने के लिए, दोनों प्राणी, इसके बच्चे का कोई लफड़ा, हमें ये पहले से पता है, आज किसी की वजह से कहीं मुझे नहीं पता। तो हमसे और ये कही, ये डॉक्टर है लड़का अपना, हम भैंस की जेल निकालने जाते, हमसे ये कह गया है। और घर जब हम आए तो उसने घरवाली नवाली से कही अपनी दोनों दवा लेने। कोई जानकारी मिली किन लोगों ने गोली मारी है? अभी 6 लड़के बता रहे हैं, 6 आदमी। कौन लोग हैं ये? एक पंडित आया था साहब लगभग पहले हमारे पास, कितने दिन पहले, पतला था साहब, तो उसने हमसे ये कहा था लड़की आप वापस कर दो, नहीं तो इस लड़की की मौत ही गोली दो चार मार। लड़के लड़की दोनों के? हाँ, लड़की लड़की। अच्छा, लड़की गोली मारी। हाँ, किस जाति की लड़की? पंडित है। और लड़का? लड़का यादव।